Hello students, this is your English teacher and today in this video we are going to discuss past indefinite tense. Before this tense, I have given you two videos in which I told you about the tenses. I mean a brief introduction of tenses I have given, as well as also an introduction of present indefinite was there in our previous two videos, right? In this video, past indefinite tense will be explained by me in front of you. You will see. And before to start, I would like to say that tense is the most important part of English language. This is not only in 9th or 10th class, it is also in 11th, right? It means if CBSE has included this topic as a part of our syllabus, it means it is very important. So you must come to know about its importance and how you can have a good command over rules of tenses. You must realize this thing, and I am here to help you if you have any problem like this. If you are getting or if you are not getting me in this topic, any problem is there, please feel free to contact me, right? So maine ye bataya tha aapko ki ek hi sentence ke andar क्या होता है, एक तो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट होता है और एक होती है मेन वर्ब। ये मैंने बताया था। फिर मैंने एक बात आपको ये बताई थी कि अगर सब्जेक्ट सॉरी सेंटेंस के अंदर अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो भी हम एक सेंटेंस बना सकते हैं। फिर तीसरी बात मैंने ये बताई थी कि दो तरह के सेंटेंस होते हैं, एक सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर कोई एक्शन होता है और एक सेंटेंस वो होता है जिसमें कोई एक्शन नहीं होता। ये कुछ बातें हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी, आपने देखा भी होगा आज। लेकिन जो टेंसेस हैं जो हम पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट हम पढ़ चुके हैं, पास्ट इंडेफिनेट आज हम पढ़ेंगे और इसके बाद हम लेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट टेंसेस के अंदर सिर्फ एक्शन वाले सेंटेंस ही इंक्लूड किए जाते हैं। तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस की अगर मैं आइडेंटिफिकेशन की बात करूं, आइडेंटिफिकेशन जो है वो दोनों ही केसेस में होती है, इंग्लिश के अंदर भी होती है और ये जो हिंदी के अंदर भी होती है आइडेंटिफिकेशन। तो इंग्लिश में क्या होती है, या तो सेंटेंस में क्या मिलेगी, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अगर सेकेंड फॉर्म नहीं मिलती है तो क्या मिलेगा, डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज आपको दिख जाए किसी सेंटेंस में तो समझ लीजिएगा वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस हमारे पास है। हिंदी में अगर मैं इसकी बात करूं तो सेंटेंस में या, ये, यी, ई या फिर आ, ये साउंड हमें मिलती है सेंटेंस के लास्ट में, हिंदी वाले सेंटेंस में। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ, जैसे आई सो ए स्नेक, ये इंग्लिश का एक एग्जाम्पल होगा। आई सब्जेक्ट सो, सो इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द सी वर्ब, एस डबल ई सी जो वर्ब होती है उसकी सेकेंड फॉर्म क्या है, सो, आई सो ए स्नेक, राइट। अगर इसको हम इस वाली पहचान की बात करें तो कैसे बन जाएगा ये, आई डिड नॉट सी ए स्नेक, ये हो गया हमारे पास इसका डिड नॉट, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म और यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आ रही है। अगर हिंदी का सेंटेंस अगर मैं लेता हूं तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, मैंने एक सांप देखा, ये हो गया हमारा हिंदी का सेंटेंस, मैंने एक सांप देखा। तो ये तो भी पहचान टेंसेस में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जब आप कोई सेंटेंस देखते हो, चाहे वो इंग्लिश में लिखा हुआ हो, वेदर इट इज रिटन इन हिंदी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट कम टू नो अबाउट इट्स टेंस, कि ये कौन से टेंस में लिखा गया है। और वो पहचान मैं आपको बता रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट, इनके दोनों की आइडेंटिफिकेशन मैं बता चुका हूँ आपको। और
ये दो टेंस ही है जो सबसे हार्ड होते हैं, डिफिकल्ट है, थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं रूल्स इनके, नेगेटिव इंटरोगेटिव सिंपल में कुछ अलग अलग, बाकी टेंस बहुत सिंपल है। तो इसलिए इन पर अगर ये दो टेंसेस आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए तो आपको आगे कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी सिंपल स्ट्रक्चर। इसकी जो सिंपल स्ट्रक्चर होती है प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, वो क्या होती है, सेंटेंस में सबसे पहले हम यूज करते हैं सब्जेक्ट, देन वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब और देन वी यूज ऑब्जेक्ट। दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल मैंने एक सांप देखा, ये एक सिंपल सा सेंटेंस है, तो इसकी इंग्लिश क्या बन जाएगी, सब्जेक्ट है मैं, तो इसकी क्या बन जाएगी आई, मेन वर्ब क्या है सी और सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है सो आई, सो ऑब्जेक्ट क्या है ए स्नेक। ये हो गया मैंने एक सांप देखा, सब्जेक्ट आई, सेकंड फॉर्म सो, ऑब्जेक्ट क्या है ए स्नेक। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दिस इज द सेकंड स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वो क्या होती है, वो कुछ इस प्रकार की होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज सब्जेक्ट, देन वी विल यूज डिड, देन नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा मैंने कहा था ना आपको अभी भी टिपिकल यही है, डिड अगर आ गया तो फिर क्या लगेगी फर्स्ट फॉर्म, अकॉर्डिंग वैसे तो पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म यूज की जाती है लेकिन सिर्फ सिंपल सेंटेंस में। इफ सेंटेंस इज नॉट सिंपल देन वी विल यूज डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। नेगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें एक नहीं का साउंड क्रिएट होता है। अब इसी सेंटेंस को अगर मैं हिंदी में लेके जाऊं तो क्या बन जाएगा, आई डिड नॉट सी ए स्नेक। ओके, आई डिड नॉट सी ए स्नेक। अब हिंदी में पहचान देखिए, मैंने एक सांप देखा, लास्ट में क्या आ रहा है, ये देखा, खा, खा वर्ड कैसे बना, खै प्लस आ, खै प्लस आ, लास्ट में क्या आ गया आ, और हमारे पास ये क्या है आ। इसके हिसाब से ये जो सेंटेंस है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का एग्जांपल है। नेक्स्ट हम लेते हैं इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर, इंटरोगेटिव, इंट्रोगेटिव भी इसको बोल देते हैं, वैसे इंट्रोगेटिव भी होता है ये, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। वो क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या यूज करेंगे डिड, सबसे हर इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले यूज की जाती है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द, जैसे क्या तुमने एक सांप देखा, एग्जांपल मैं लिख देता हूं, तुमने क्या तुमने एक चोर देखा। ओके, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो क्या बन जाएगा डिड यू सी ए स्नेक क्वेश्चन मार्क। दिस वॉज टोटली ऑल अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड आइडेंटिफिकेशन, हिंदी में बताई, इंग्लिश में बताई, सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है वो हमने डिस्कस किया, नेगेटिव स्ट्रक्चर आपके सामने है, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। अब आप कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उनको हम सिंपल नेगेटिव और इंटरोगेटिव में चेंज करके देखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ तक आप एक बार इस वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, और वैसे मैं इसकी फोटो भी आपके पास भेज दूंगा, डोंट वरी।
So students, after having a brief introduction of past indefinite tense, I have written four examples on the whiteboard as you can see, and we will translate these four Hindi sentences into English because they all are related to past indefinite tense. The first sentence, as you can see, which is written on the whiteboard, is like this. तुम कल स्कूल नहीं गए. सो इन दिस सेंटेंस गए ए या ए ई, तो यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनेट है. इसका बन जाएगा सब्जेक्ट. ये एक इंटर नेगेटिव स्ट्रक्चर है, तो क्या होता है उसका रूल क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट. वी विल अप्लाई दिस रूल एंड कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश. लेट्स सी. तुम सब्जेक्ट यू, डिड नॉट, यू सब्जेक्ट यू, डिड नॉट मेन वर्ब क्या है? गो जाना. यू डिड नॉट गो और कहा ऑब्जेक्ट क्या है? टू स्कूल. अब हमारे पास एक चीज एक्स्ट्रा आ रही है, कल मतलब बीता हुआ कल मींस यस्टरडे. तो यू डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे. ओके, सो ये हो गया हमारा सेंटेंस. नेक्स्ट, क्या उसने तुम्हें गाली दी? तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले क्या यूज करते हैं? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क. डिड एग्जांपल तो क्या बनेगा इसका? डिड ही, सब्जेक्ट क्या है? उसने. डिड ही, या आप शी भी यहाँ पे लगा सकते हो दोनों के लिए. डिड ही शी अब्यूज यू, गाली देना का मतलब क्या होता है? अब्यूज. और ऑब्जेक्ट कौन है? यू, तुम. डिड ही अब्यूज यू, क्या उसने तुम्हें गाली दी? नेक्स्ट सेंटेंस, अमित ने मेरी पुस्तक लौटाई. ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस है. स्ट्रक्चर क्या रहेगी? सब्जेक्ट प्लस में सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप. सो सब्जेक्ट इज अमित, लौटाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिटर्न. और रिटर्न की सेकंड फॉर्म क्या होती है? रिटर्न्ड. अमित रिटर्न्ड माय बुक, फुल स्टॉप. नेक्स्ट सेंटेंस, सीता ने चाय बनाई. सेम सेंटेंस अप्लाई होगा, ये वाला यहाँ भी लग जाएगा. तो क्या बन जाएगा? सीता मेड टी, सीता मेड टी. इस तरह से हम पास्ट इंडेफिनिट के जो सेंटेंस होते हैं उनको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टेंस. So students, this is future indefinite tense. इसका introduction पढ़ाएंगे. First of all identification. इसमें English में क्या मिलेगा? Will, shall में से कोई एक plus main verb के first form. और Hindi में क्या मिलेगा? Sentence के end में ga, ge, gi. अब देखो, before to start this video, आपने यहाँ पे दो नई चीज सीखी है कि जो इस sentence की जो helping verb होती है वो होती है will, shall. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब ऑफ फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस वो क्या होती है? विल और शैल, दोनों में से कोई एक हम यूज करते हैं, आपने देखा भी होगा. नाउ इन दिस वीडियो आपको ये पता चलेगा आज की विल कब यूज करते हैं और शैल कब यूज करते हैं. समझ में आ गया? In our previous video of tense, I have told you that uses of helping verbs depend on the subject of that particular sentence. अगर आपको ये याद हो तो मैंने बताया भी था आपको. If देखिए, subject की बात according to rule, मैं आपको सिखा रहा हूँ. यहाँ पे हमारा जो topic है वो है, ये है, पहले हम इसको clear करेंगे. ठीक है, इसको क्लियर करके हम सीखेंगे. हम सीख रहे हैं क्या? यूजेस
of, will and shall. Will कब लगाते हैं और shall कब लगाते हैं? पहली बात, according to rule, sentence में according rule क्या कहता है? According to rule, rule तो ये कहता है प्यारे बच्चों कि if if subject या subject भी छोड़ो, rule ये कहता है shall is used with I and we. अगर हमारे subject I या we है तो हम use करते हैं shall, ठीक है ना? Otherwise इनके अलावा जो भी subject है हम उनके साथ क्या use करते हैं? अदरवाइज वी विल यूज, या वी यूज कर लो, अदरवाइज वी यूज विल. ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है ना? इफ सब्जेक्ट इज आई एंड वी तो शैल लगाएंगे, आई और वी के साथ शैल, अदरवाइज क्या लगता है? विल. ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू रूल. अब हम बात करते हैं यहां पर according to sense. sense क्या कहती है? sense ये कहती है if I and we are the subject of a sentence in future tense, in future tense, and they are full of determination. determination का मतलब होता है दृढ़ निश्चय. then will must be used with these two subjects. ये है हमारी सेंस. दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इफ आई एंड वी आर द सब्जेक्ट्स ऑफ अ सेंटेंस इन फ्यूचर टेंस, अगर I और V according to rule I और V के साथ तो सह लेना चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन अगर I और V में किसी भी काम को करने का दृढ़ निश्चय है, determination है, तो वहां पर I के साथ will लगाते हैं और V के साथ भी will लगाते हैं, shall वहां पर use नहीं करते हैं. मैं ये बताना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप देखना ध्यान से, और फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे फोन करके पूछ सकते हो, ठीक है ना? अब एक बार आप इसको उतार लो, वीडियो को रोक करके, ये जरूर लिखे हुए है ना, ये उतार लो, वीडियो रोक करके, और फिर मैं आपको समझाऊंगा आगे कि किस प्रकार से हम जो है इसका आगे का क्या सीन, आगे इसके रूल्स क्या है. आप इसको उतार लो फटाफट. सो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर पहचान मैंने बताई आपको, रिसेंटली टोल्ड यू अबाउट आइडेंटिफिकेशन. अब लेट मी टेल यू मोर क्लियरली विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स. इंग्लिश में एग्जाम्पल लिखता हूं, जैसे मैं आई विल नॉट हेल्प यू, इसमें विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, ये हो गया हमारा गा, और ये क्या है गा, इसका मतलब ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है. अब सिंपल स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस
first form of the main verb plus object and then full stop. For example, वह आज स्कूल नहीं जाएगा. फॉर एग्जाम्पल ही विल नॉट गो टू स्कूल. सॉरी, वह स्कूल जाएगा. ही विल गो टू स्कूल. ही विल गो टू स्कूल टुडे. आज TODAY. राइट. नेक्स्ट इज नेगेटिव स्ट्रक्चर. वो क्या होती है? सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट. राइट. अब इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा? ही विल नॉट गो टू स्कूल. ये आपने बिल्कुल ऐसे ही नोट कर रहे हैं नोटबुक में, जैसे लिख रहा हूं ना, बिल्कुल ऐसे ही. ठीक है. He will not go to school. समझ में आ गया? इंटरोगेटिव में क्या हो जाता है? Will shall आगे आ जाता है. Will shall plus subject plus first form of the main verb plus object and then question mark. For example, क्या वह स्कूल जाएगा? टुडे नहीं लगाया मैंने यहाँ पे, टुडे लगा देता हूं. विल ही गो टू स्कूल टुडे. विल ही गो टू स्कूल टुडे. ये हो गया हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सिंपल स्ट्रक्चर. अब आप बहुत सारा आपने शैल का यूज किया ही नहीं. अब देखो, मान लीजिए शैल का एक एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ कि क्या हम दिल्ली जाएंगे. एक सेंटेंस लिखता हूँ मैं, क्या हम ना हम दिल्ली जाएंगे. हम दिल्ली जाएंगे, ये सेंटेंस लिखा. इसमें सब्जेक्ट कौन है? हम. ठीक है ना, जाएंगे. इस सेंटेंस में के अंदर हम है वी, और वी के साथ क्या आना चाहिए? शैल. लेकिन यहां पे क्या आएगा? वी विल गो टू दिल्ली. क्योंकि यहां पर दृढ़ निश्चय है, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम दिल्ली जाएंगे. लेकिन अगर ये सेंटेंस नेगेटिव हो जाता ना, कि हम दिल्ली नहीं जाएंगे, हम क्या सॉरी इंटरोगेटिव हो जाता, तो क्या हम दिल्ली जाएंगे? क्या हम दिल्ली जाएंगे? इन सेंटेंस में अब उन्हें खुद नहीं पता कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो डिटरमिनेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. दृढ़ निश्चय तो है नहीं, जब वो खुद ही नहीं जानते, वो खुद पूछ रहे हैं कि क्या हम दिल्ली जाएंगे. तो यहां पे क्या हो जाएगा? फिर शैल, शैल वी गो टू दिल्ली, दिल्ली सॉरी. ये हो गया हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट. अब आप इसको उतार लो, और कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो. थैंक यू. हैव ए गुड डे.